दोस्तों Redmi का Y सीरीज काफी फेमस रहा है इंडिया में, और ये जितने भी Redmi के फोन आए हैं Y सीरीज में, चाहे वो Y1 हो या फिर Y2 हो, दोनों ही फोन जो हैं दोस्तों सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन थे, और लोगों ने इन फोन्स को दोस्तों बहुत ज्यादा पसंद भी किया था, क्योंकि इस प्राइस में, जिस प्राइस में ये जो फोन लॉन्च हुए थे, उस प्राइस में कोई ऐसा फोन नहीं था उस वक्त जो आपको इतनी अच्छी सेल्फी कैमरा वाला फोन दे रहा था। तो ऐसे में दोस्तों अभी अगर आप देखें Redmi Y2 काफी पुराना हो गया है, वहां पे कुछ खास डिजाइन नहीं मिल रहा है, और कैमरा भी अभी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है आज की डेट के हिसाब से। तो ऐसे में Redmi जो है पूरी तैयारी में है अपना एक और नया फोन लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम Redmi Y3 होने वाला है, और इसका इंडिया लॉन्च जो है दोस्तों कंफर्म हो गया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे Redmi Y3 में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, इसकी इंडिया में क्या प्राइस होगी, और क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों तो यहां पे आपको 6.2 इंच का एक HD+ डिस्प्ले मिल सकता है, जहां पे आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल सकती है, और ये जो डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों डॉट नॉच के साथ आने वाली है, ये कंफर्म है। अगर हम बात करते हैं इसके बैक डिजाइन की दोस्तों, तो पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको ग्रेडिएंट फ्रिंज देखने को मिलेगा, जो काफी हद तक आपको Redmi Note 7 के तरह देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों पीछे की तरफ जो है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे इस फोन के परफॉर्मेंस को लेके, तो परफॉर्मेंस भी यहां पे आपको काफी अच्छी मिल जाने वाली है। जहां तक उम्मीद है, इस फोन में स्नैपड्रैगन का 632 का चिपसेट आ सकता है, या फिर 636 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस हैं दोस्तों वो 632 के हैं। बात करूं अगर दोस्तों और चीजों की, तो यहां पे आपको 3GB, 32GB, 4GB, 64GB का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही दोस्तों माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए आपको अलग से स्लॉट दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों सेल्फी सेंट्रिक फोन होते हैं Redmi Y सीरीज में, तो इस फोन में भी दोस्तों आपको काफी अच्छा फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। जो फ्रंट कैमरा होने वाला है दोस्तों वो 32 मेगापिक्सल का होने वाला है, जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो बैक कैमरा होगा वो भी काफी अच्छा होने वाला है, पीछे की तरफ आपको 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस फोन का जो कैमरा होने वाला है वो काफी कमाल का होने वाला है, खास करके इसका फ्रंट कैमरा, और फ्रंट में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये जो कैमरा है AI को भी सपोर्ट करने वाला है। Redmi Y सीरीज का एक चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था दोस्तों, वो ये था कि उसमें बैटरी लाइफ जो है बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन कंपनी ने खुद टीज कर दिया दोस्तों कि इस फोन में आपको बड़ी बैटरी मिलने वाली है, यानी लगभग 4000 mAh की बैटरी जो इस फोन में आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों फोन में शायद आपको USB टाइप सी पोर्ट ना मिले, और फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो भी देखने को ना मिले। इसके अलावा दोस्तों फोन जो है स्प्लैश प्रूफ भी होने वाला है, यानी अगर थोड़े बहुत छींटे अगर आपके वाटर के पड़ जाते हैं फोन के ऊपर, तो यहां पे आपका फोन को जो है हार्म नहीं पहुंचने वाला है, और फोन जो है आपका सर्वाइव कर सकता है। फोन दोस्तों रन करने वाला है एंड्रॉइड 9 पाई पे, और MIUI 10 जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको इस फोन में मिलने वाला है। तो यही कुछ चीजों के साथ जो है दोस्तों ये फोन लॉन्च होने वाला है 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को दोस्तों धमाका होने वाला है, क्योंकि ये जो फोन है ना सेल्फी फोन की काफी कमाल की होने वाली है। अब अगर इसकी प्राइस को लेके बात करें दोस्तों, तो ये जो फोन है 8 से 10 हज़ार के बीच में लॉन्च होने वाला है। ज्यादातर जो चांसेस है वो ये बता रहे हैं कि 8,999 रुपए में ये जो फोन है लॉन्च हो सकता है, जहां पे आपको 3GB, 32GB का मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है उन सभी यूजर्स के लिए जिनको सेल्फी लेना पसंद है, और साथ ही एक बड़ी बैटरी चाहते हैं और ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो ये जो Redmi Y3 है उनके लिए एक बेस्ट फोन हो सकता है 10,000 के नीचे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आप इस फोन को लेना चाहेंगे अगर ये फोन 9,000 की प्राइस में लॉन्च होता है, बताना मुझे कमेंट में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए।